दोस्तों, टेक्निकल चैम्बलिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक एपी फैन का मोटर है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका एक तो या तो कॉइल भी दोस्तों इसका जल चुका है और इसमें जो बूस्ट होता है दोस्तों वो भी खराब हो चुका है। ये चलते चलते जो है ऑटोमेटिक जाम हो जाता है। बूस्ट खराब होने का लक्षण यही है, आपको एकाएक जाम हो जाएगा और पंखे में से जो है आपको आवाज आएगा। और किस प्रकार से दोस्तों इसका हम बूस्ट चेंज करेंगे या करते हैं, आज हम इसमें भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस मोटर को खोल लेते हैं। चार यहाँ पे स्टड लगे होते हैं, चार नट को हम खोल के इसका जो है कॉइल और इसका जो कवर होता है दोस्तों दोनों तरफ से, बैक कवर और फ्रंट कवर, इन दोनों कवर को हम खोल लेते हैं। बूस्ट तो जो दोस्तों इस मोटर में जो है बहुत ही सस्ता आता है, लेकिन कई मैकेनिक जो हैं इस बूस्ट को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने में जो है थोड़ा सा यहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी इसका जो है औजार भी दोस्तों नहीं होता, जिस कारण से मैकेनिक भाई जो है वो बूस्ट करने में नाकाम हो जाते हैं। जिस कारण से वो करते क्या है कि वैसे आपको ऊपर से इसमें जो ऑयल डाल के कस्टमर को जो है थमा देते हैं, दे देते हैं जो चलिए आपका फैन पंखा जो है बन चुका है, लेकिन पता चलता है कि कुछ ही मिनटों में या घंटों में फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है। इसे तो इसका पीछे वाला भी खोलिए तो पीछे से आ रहा था शायद धुआं इसमें, पीछे का ढक्कन खोलिए, दिखाई दे रहा है जला हुआ तो है कॉइल, एक कॉइल यहाँ पे जला हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक हो चुका है, सिर्फ एक कॉइल यहाँ पे जमा, मतलब कि ये जल चुका है। कनेक्शन भी पूरा कट गया है, कनेक्शन भी कट गुट गया, तो इसका जो है हम यहाँ पे रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इसका बैक कवर निकाल लीजिए और इसका बूस्ट चेंज करने का जो है कोशिश करेंगे। इसमें 034 034 नंबर का दोस्तों बूस्ट लगता है और इसका शाफ्ट का स्थिति देखें, शाफ्ट कैसा है, ये वाला पोजीशन देखना होता है जहाँ पे बूस्ट चलता है। तरीके से फिलहाल तो साफ चलने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे दाग पड़ा हुआ लेकिन ये दाग उतना दिक्कत नहीं करेगा। चलिए इसमें हम बूस्ट चेंज करते हैं। इसका बूस्ट चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे चार और चार आठ रिपीट यहाँ पे मारा हुआ रहता है, आठ रिपीट लगे रहते हैं, जिसके कारण से जो ये बूस्ट वाला जो कवर होता है दोस्तों बूस्ट को दबाए हुए रखता है, उस चारों रिपीट को जो है चार चार आठ रिपीट को हमें यहाँ पे काटना होगा। ये यहाँ पे चार रिपीट है दोस्तों, उसे हम यहाँ पे काटने वाले हैं। चलिए काटने वाला जो औजार है आपका वो दिखाइए, इस तरह से ये देख सकते हैं कि छेनी बनाया है और छेनी की सहायता से ही ये, चूंकि एल्युमिनियम का रिपीट है जो कि आराम से आपका कट जाएगा। चलिए काटिए, फटाफट काटिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, शॉर्टकट में अच्छा वीडियो दिखाने का कोशिश कीजिए। देख सकते हैं ये कट कट के जो है नीचे गिर रहा, एक साइड से काटना है सिर्फ। ये हमारे मैकेनिक भाई हैं सुमित खाटी जी, इनका फेसबुक भी है, फेसबुक पे इसे जो है संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक आईडी है सुमित खाटी। देख सकते हैं तो पूछ का जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको कंपोनेंट यहाँ नजर आएगा, बूस नंबर भी दिखा दिखा दीजिए तो
034 देख सकते हैं, 034 नंबर का रहा यहाँ पे रहता है। और सबसे इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिखाइए स्पंज, जो कि काफ़ी सूख गया है देख सकते हैं, जबकि ये ऑयल से भीगा हुआ रहना चाहिए जिसके कारण ये बूस खराब हो जाता है। ये ऑयल रहना चाहिए इसमें पूरा, बूस फिट करते समय हम इसमें ऑयल लगा दें। तो चलिए हमने यहाँ पे जो है बूस को तो निकाल लिया है, बूस भी यहाँ ले भी लिया नया दो, और रिपीट देख सकते हैं कि रिपीट इस तरह का आता है, आपको लोहा का भी आता है और एल्युमिनियम का भी आता है। तो इसमें हम एल्युमिनियम रिपीट यूज करेंगे जो कि इस्तेमाल करने के लिए अच्छा होता है इस टाइप का। और ये रिपीट हम लोग के पास में जो कुछ मोटा टाइप का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है इसका जो हॉल है उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये वाला हॉल जो है रिपीट वाला, इस हॉल को जो है बड़ा कर लेंगे तो जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 8 रिपीट निकाल लीजिए बाहर और बाद बाकी रिपीट को पुनः डब्बे में रख दीजिए। चलिए हम 8 रिपीट निकाल लेते हैं। ये अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे इसका बूस का जो है फिटिंग कर रहे हैं, तो बूस सबसे पहले लगेगा इसमें, उसके बाद जो है ये स्पंज जो होता ऑयल को रिजर्व करके जो रखता है आपको एक जगह करके एकत्रित करके, उसके बाद जो है ये बूस वाला जो स्प्रिंग टाइप का होता है जिससे कि बूस को चापा जाता है वो लगाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों इसका बूस का जो कवर है फाइनल वो लगा के इसमें हम रिपीट कर लेंगे। और रिपीट करने के लिए यहाँ पे जो आपने छेनी यहाँ पे देखा था दोस्तों उसे ही एक लकड़ी में यहाँ पे हमने गाड़ दिया है, ठोक दिया है। उसके बाद से जो है रिपीट को हम यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि रिपीट ही लंबा था। एक्चुअली में ये रिपीट आपको कूलर का था। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम अभी बूस चेंज कर रहे हैं आपको एपी फैन का मोटर का, उसी प्रकार से कूलर फैन का भी मोटर का भी इसी प्रकार से हम बूस चेंज करेंगे और रिपीट भी इसी प्रकार से करेंगे। ये बिल्कुल अपना मतलब बेहद ही ईजी तरीका है ये करने का। यदि आप इस तरह से रिपीट कीजिएगा या बूस लगाइएगा दोस्तों तो आप कहीं भी दूसरे के पास बूस या रिपीट चेंज कराने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप कुछ अपने से इस तरीके से जुगाड़ से जो है आप रिपीट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया है देख सकते हैं, एक रिपीट यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। अब उसी प्रकार से 3 रिपीट भी यहाँ पे हम कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली हमने दोनों कवर पे जो है रिपीट को एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद जो है इसका बूस भी चेंज कर लिया है। तो इसी तरीके से जो है आप एपी फैन हो या कूलर फैन हो का बूस जो है आराम से आप चेंज कर सकते हैं अपने से खुद से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।